प्रिय दर्शकों, अभी तक तो हम इसके व्यापार की बात कर रहे थे कि सतावर का व्यापार करके हम कैसे लाभ कमा सकते हैं। अब इसके कुछ मैं आपको 6-7 इसका प्रयोग बताऊंगा। शारीरिक जो हमारी कमजोरियां होती हैं, हमारी बीमारियां होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसका हम कैसे निराकरण कर सकते हैं। पहला तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा सतावर का है कि शारीरिक कमजोरी हो, शरीर में दुर्बलता हो और जवानी में ही चेहरा झुर्रा गया हो और शरीर में तेज खत्म हो गया हो, ओझ खत्म हो गया हो, तो सतावर का प्रयोग करके हम उस खोई हुई कांति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रयोग करने वाला सुबह शाम दूध के साथ 1 चम्मच सतावर चूर्ण को ले तो इसका बहुत लाभ होता है। मात्र 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। दूसरा फायदा इसका है कि पथरी में, अगर पथरी हो तो पथरी के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो, तो प्रतिदिन लगभग 1 महीने तक रोगी जो भी है वो उसका प्रयोग करे। सुबह सुबह काढ़ा बनाकर 1 से 2 चम्मच 2 गिलास पानी में उबाला जाए और जब वो आधा या पौन का गिलास रह जाए तो उसको हम काढ़े के रूप में प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट यूज करें तो पथरी गुर्दे की खत्म हो सकती है। तीसरा फायदा इसका है अनिद्रा में, डिप्रेशन में कोई व्यक्ति रहता है, नींद कम आती हो, मानसिक दुर्बलता हो या हम कुछ चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, तो इस स्थिति में सतावर बड़ा लाभकारी होता है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह या शाम को सोते समय। अगर हम इसका 1 चम्मच सतावर चूर्ण मिश्री के साथ मिक्स करके दूध के साथ सेवन करें तो आप इसका लाभ 1 सप्ताह में देख सकते हैं। बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये। इसके साथ शारीरिक दुर्बलता में ये बहुत लाभकारी होता है। माताओं बहनों में या पुरुषों में शारीरिक दुर्बलता होती है, उठते बैठते चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या थोड़ा सा भी काम करने के बाद शरीर में दुर्बलता होती है, तो इसके लिए सतावर चूर्ण बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम रात्रि को सोते समय 1 चम्मच सतावर चूर्ण के को यूज करें साथ में और इसके साथ मिश्री ले लें हम, तो इसका बड़ा लाभ है। और आधा से थोड़ा चम्मच हम हल्दी का भी प्रयोग करें तो रामबाण है ये। और आप देखेंगे 1 महीने के अंदर, 1 महीने तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, 15 दिन के अंदर उसका लाभ आपको दिखाई देगा। चेहरे पर एक तेज आपके आएगी, एक कांति आपके चेहरे पर आएगी, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर इसका तीसरा फायदा है कि पुरानी खांसी हो, कोई लंबी टाइम से आने वाली खांसी हो, उसका भी निराकरण इससे हो सकता है सतावर चूर्ण से। और ये तो होगी मनुष्यों की, पशु पक्षियों से संबंधित लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग चलाते हैं, हमारे यहाँ चलती है, तो पशुओं के लिए भी लाभदारी है। जो पशु दूध से भाग गई हो, दूध उसका कम हो और आप चाहते हो कि उसका दूध जो सूख गया हो ना बढ़ रहा हो, दूध बढ़ाने के लिए नुस्खे में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मनुष्य पशुओं का वजन हमारे मनुष्य से ज़्यादा होता है, तो इसकी जो मात्रा है 40 से 50 ग्राम, अगर किसान शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी उन्हें खल विनोले देता हो उसमें मिलाकर इसका चूर्ण दे तो आप इसका लाभ 15 से 20 दिन में आप देख सकते हैं। पशुओं का दूध में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी, जब बच्चे का जन्म होता है और दूध सूख जाता है हमारी माताओं में, तो उनके दूध वृद्धि के लिए ये जो बीमारी आती है, एक आम बीमारी है, इसको बढ़ाने में लाभदायक होता है। और इसका हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी खोज के माध्यम से इस चीज़ को रखा था हमारे, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस जानकारी को आम जनमानस तक पहुंचाएं। तो हम इसमें आप देख रहे हैं कि पशु पक्षियों के लिए भी ये लाभकारी है। और किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो खल विनोले या किसी चीज़ पर खर्चा ज़्यादा आता है, सतावर का चूर्ण आप बाहर से खरीद के लाएंगे तो बहुत महंगा बिकता है। ये लगभग 30,000 रुपये किलो क्विंटल के हिसाब से बिकता है, 300 रुपये से 500 रुपये किलो आप इसकी मार्केट वैल्यू है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर खेती हो, खेती में आप अगर सतावर लगा दें, 18 महीने का समय लगता है इसको पकने में, तैयार होने में, उससे बीच में आप छोटे छोटे फसलें से टमाटर, छोटी छोटी सब्जियां आप उसमें लगा सकते हैं। और जब सतावर निकल के आएगा तो एक पौधे में लगभग 4 से 5 किलो तक सतावर उसमें आती है। उसको आप ऐसे भी पशु को दे सकते हैं या सुखाने के बाद चूर्ण बनाकर भी उस पशु को आप दे सकते हैं, तो इससे आप लाभ होगा। और आप तो बाहर से खरीद के नहीं लाना पड़ेगा, घर में ही होगा। और जो सतावर चूर्ण पशुओं को देने के बाद जो दूध का उत्पन्न होगा
वो मनुष्यों के लिए लाभकारी होगा और पशुओं के लिए तो होगा ही, क्योंकि पशु सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो उसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और एक फ़ायदा और है इसका, जैसे पशुओं में थनेला रोग होता है, ये बहुत ही बेकार बीमारी है पशुओं में, थनेला रोग के निवारण के लिए भी सतावर का प्रयोग कर सकते हैं। सतावर अगर आप अपने पशुओं को 40 से 50 60 ग्राम दूध निकालने के बाद उसको फिनोले के रूप में या किसी शक्कर मिलाकर, गुड़ मिलाकर आप उसे खिलाएं तो थनेला रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। ये भी प्रयोग किया हुआ नुस्खा है, आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। और बताना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इस बारे इस औषधीय पौधों की खेती के बारे में अनभिज्ञ हैं, जानकारी आपको नहीं है, तो आप इसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, RCET से। निःशुल्क 10 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, इसमें रहना, खाना पीना, भोजन की सारी व्यवस्था निःशुल्क है। उसके बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और भी सरकारी कई योजनाएँ हैं जिसमें आप सब्सिडी वाली योजनाएँ हैं जिसमें आप इसके योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ऋण लेकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आपको एक ऐसा चैनल कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, कोई सुझाव आपके हों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी दुर्लभ जो हमारी जानकारी हमारे देश में लुप्त हो चुकी है वो आम जनमानस तक पहुँचे इस श्रेष्ठ भारत चैनल के माध्यम से, पता चल जाए कि इससे क्या प्रॉफिट होता है। सतावर की खेती क्यारी से क्यारी की जो दूरी होती है 2 फीट की होती है, जब इस पौध को हम लगाते हैं इस पेड़ पौधे को, और पौधे से पौधे की दूरी होती है 2 फीट की जब हम इसको लगाते हैं। इस प्रकार एक एकड़ में 12,000 पौधे लगते हैं इस दूरी के हिसाब से, और लगभग इसमें 80,000 से 1,00,000 रुपये तक का कुल खर्च आता है। सतावर की पौध जब हम बोते हैं, लगभग 12,000 पौधों में निराई गुड़ाई पौध की सारा खर्चा लेकर, मेहनताना लेकर 80 से 1,000 तक का खर्चा आता है इसमें, और समय लगती है 18 महीने का समय इसमें पूरा लगता है। आप देख रहे हैं इसमें 18 महीने का समय लगाने के बाद ये अच्छी तैयार होती है, और जब इसका निकालने का समय होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल तक का। अगर फरवरी से अप्रैल तक आप नहीं निकाल पाते हैं तो सिर्फ 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। ये तो मैंने बताया सतावर से। एक एकड़ से आपका आमदनी कितनी होगी, एक एकड़ से 2 से 3 लाख रुपये का मुनाफा होता है सारा खर्चा निकाल कर। अब आप देख रहे हैं 18 महीने में इसके प्रयोग से 2 से 3 लाख रुपये का मुनाफा एक किसान को हो जाता है, क्योंकि रेट इसका 25,000 से 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में है। आप सामान्य रूप से लेने जाएंगे 300 रुपये से 500 रुपये किलो के हिसाब से सतावर मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मनुष्यों के लिए तो लाभकारी है, पशुओं के लिए भी लाभकारी है। पशुओं के दूध वृद्धि के लिए, उनके शारीरिक मजबूती के लिए, उनके शारीरिक थनेला रोग के निवारण के लिए भी सतावर का प्रयोग होता है, तो पशुपालक भी इसको प्रयोग करते हैं। और मनुष्य के अंदर भी शारीरिक कमजोरी होती है, शारीरिक दुर्बलता होती है, और उसके निवारण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, तो कई हकीम वैद्य इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है और समय ज़्यादा लगता है। ये तो मैंने केवल सतावर के फ़ायदे बताए हैं, इसके साथ आप छोटी मोटी सब्जी का काम भी, क्योंकि 18 महीने में ये पैदावार होती है, आप टमाटर, बैंगन और भी हरी मिर्च या और भी अन्य पौधे इसके साथ लगा सकते हैं, ताकि आप उसका हर 2-3 महीने बाद उसकी कटाई करके फायदा कमा सकते हैं। वो तो ऊपर ही कमाई है, पैसे इनकम है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि इन 2 से 3 लाख रुपए हम कमा सकते हैं। अगर आप सब्जियों की देखी जाए तो 18 महीने में उससे भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये आप सब्जियों से, अन्य जड़ी बूटियों से आप लगा कर इसमें आमदनी कमा सकते हैं। तो ये किसान भाइयों आपके लिए एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम वो होती है, व्यापार का मतलब ये होता है कि आप सो भी रहे हो तब भी आपका व्यवसाय चल रहा है। मजदूरी नौकरी में क्या होता है, जब तक आप नौकरी करते हैं 8 घंटे की 10 घंटे की तभी आपको आमदनी होती है। लेकिन ये कैसे कार्य की है, उत्तम खेती है, हम खेती करें तो क्या होता है कि उसमें इससे आपको पैसिव इनकम प्राप्त होती है, आप सो भी रहे हो तब भी आपकी आमदनी हो रही है। तो ये मौका आप ना कमाएं, सतावर की खेती करें, और साथ साथ अगर खेती ज़्यादा मात्रा में आपकी तो सतावर, एलोवेरा, लेमन ग्रास की खेती कीजिए। समय समय पर आपको इतनी आमदनी होगी कि आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही परंपरागत खेती करने की आवश्यकता होगी। और ये ऐसी चीज़ है, ऐसी फसल है एलोवेरा और ख़ासकर सतावर, इसमें कांटे आते हैं जो कि पशुओं भी इसको नहीं खाते, जंगली जानवर इसको नहीं खाते, ये इसका फायदा है। जब गांव में आप लगा कर देंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं, ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है, और इसका लाभ बहुत आता है। अगर आपको शरीर में
कई रोगों में निवारण में इसका काम है। हरी पत्तियां जो इसकी और किसी यूज में तो आती नहीं है, लेकिन इसकी हरी पत्तियों का साग और टहनियों का साग बना के खाएँ तो शरीर के अंदर जो व्यक्ति के अंदर बवासीर की बीमारी होती है, पेट के अंदर जो जलन होती है, अल्सर की बीमारी होती है, ये इसके साग खाने से दूर हो जाती है। ये बहुत लाभकारी औषधि है हमारे देश का होता है। तो ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सतावर का क्या महत्व है, सतावर से क्या लाभ उठाया जा सकता है? देखिए, सतावर एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है और इसको मनुष्य तो अपने उपयोग में लाता ही है, लेकिन इसके लिए पशुओं में भी ये औषधीय गुणों का काम करती है। जैसे किसी पशु में कोई एनर्जी डाउन हो रही हो, अच्छा, कमजोरी महसूस हो रही हो जी, या उसकी दूध की मात्रा घट रही हो, अच्छा, किसी बीमारी के कारण किसी पशु को सुस्ती आ रही हो या दूध घट रहा हो या कमजोरी आ रही हो, अच्छा, तो सतावर उसमें जो है पीस करके उसको उसके जो पशु आहार होता है या उसको जो शाम को बांट बनोला देते हैं, अच्छा, तो उसमें मिला करके देते हैं तो इसकी दूध की मात्रा भी बढ़ती है, सॉरी, फैट भी बढ़ती है।